वालेकुम वेलकम टू मुमताज़ अली कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे तो जी आज ना मेरा बहुत मन कर रहा था कि कुछ फ्राइड आइटम बनाया जाए क्योंकि ना आज बारिश हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैंने सोचा कुछ झटपट सा बन जाए इस तरह का कुछ बनाया जाए तो उसके लिए मैंने देखिए मेरे पास था साबूदाना और था पोहा तो घर में फ़िलहाल ये चीज़ें तो सभी के पास होती हैं तो इस वजह से मैंने सोचा चलिए झटपट इसी से बनाती हूँ कुछ तो जब बनाने जा रही तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ अब इसको बनाने के लिए मैंने लिया एक कटोरी पोहा और इसको अगर ग्राम में करेंगे तो ये करीब 80 ग्राम तक तो होगा और फिर मैंने एक कटोरी लिया साबूदाना और इसको ग्राम में करेंगे तो ये करीब वन ग्राम तक तो होगा यानी कि एक ग्राम तक तो होगा तो सब क्या करेंगे हम सबसे पहले साबूदाना लेंगे इसको ना हम ग्राइंड कर लेंगे तो मिक्सी की जार में डालूंगी और मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और ये ना आपको पता है थोड़ा सा दरदरा सा रहता है क्योंकि ये बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में नहीं हो पाता है हल्का सा इसमें दाना दाना है और उसके बाद मैंने पोहा लिया उसको भी ग्राइंड कर लिया तो पोहा तो जो है वो बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में हो गया है और ये जो पोहा है ये इसको ना बाइंड करने के लिए काम आएगा क्योंकि ना पोहे में हमें साबुदाना ना जब भी आप कुछ भी बनाए तो बिखर जाता है तो पोहा जो है वो इसको बांध के रखेगा तो मैंने यहां पर आधी कटोरी ले लिया था दही और सेम उसी कटोरी से ले लिया मैंने आधी कटोरी पानी अब इन दोनों चीजों को डालेंगे और मिक्स कर लेंगे पानी मैंने अभी पूरा नहीं डाला है अभी थोड़ा डाला है और अब इसको मिक्स करूंगी देखती हो अगर सूखा रहेगा तो ये सारा पानी डाल दूंगी वैसे तो ये सारा पानी इसमें चला जाएगा आराम से उसके बाद मैंने ना फिर इसमें इन दोनों को मिक्स किए और अब मैं क्या करूँगी इसको मिक्स करके ढक के रख दूंगी करीब पांच मिनट के लिए और जब तक हम बाकी कटिंग जो भी करनी हम वो कर लेंगे तो ये देखिए पाँच मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ पोहा कितनी अच्छी तरह से फूल गया है साबुदाना पोहा दोनों ही चीज़ें सूखा सूखा हो गया है तो अब मैं क्या करूँगी इसमें यहाँ मैंने धनिया लिया है फ्रेश धनिया और फ्रेश अदरक लिए इसको बारीक बारीक से चॉप कर लिया है और ये मैंने लिया है ड्राई करी पत्ता अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश यूज़ कर लें और ये मैंने लिया है लाल मिर्ची इसको मैंने रिबन कट में काट लिया है और छोटी सी प्याज ली थी मतलब एक प्याज ली उसको छोटा चुट छोटा सा काट लिया है अब ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और अगर आपको इसमें कोई भी सब्ज़ी या फिर आप कॉर्न वगैरह डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं वैसे मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थे तो मैंने इन्हीं चीज़ों से बना लिया और जो हम करी पत्ता इसमें डालेंगे ना तो आप अगर फ्रेश डालें तो उसको बारीक बारीक चॉप करके डाल दें और मैंने तो खैर ड्राई डाला था अब इसमें डाल दूंगी वन टी स्पून चिली फ्लेक्स वन टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर वन टी स्पून डाल दूंगी भुना हुआ साबुत धनिया कूट के और फिर नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और ये डालूँ मैं कॉर्नफ्लार इसको बाइंडिंग के लिए तो ये मैंने लिया है थ्री टेबल स्पून और वन टी स्पून लींगी जीरा और इसको हाथ से क्रश करके डाल देंगे इससे क्या होता है इसमें खुशबू फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाता है और ना आप धनिया भी जरूर से डालें उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये मैंने आधा नींबू का रस लिया है इसको डाल दूँगी और जो जो हमने कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है ना ये भी इसको मदद करेगा बाइंड करने में ताकि जो हम जब बनाएंगे ना इसको तो फिर इसको फ्राई करेंगे तो ये बिखरेंगे नहीं इस वजह से इसको आप जरूर से मिक्स करें अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसमें एक ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसमें मैदा यूज़ कर सकते हैं तो देखिए इसको अब मैं क्या करूँगी हाथ में थोड़ा सा मैंने तेल लगाया और उसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्सर लेंगे हाथ में और इस तरह से इसको गोल करेंगे और फिर हथेली की मदद से इस तरह से दबा इसको एक कटलेट की शेप दे रही हूँ मैं इसको और आप अपने पसंदीदा सेब बना सकते हैं जिस भी तरह से बनाना चाहें उस तरह से बना लें तो मैंने फ़िलहाल तो इसको कटलेट की सेब दी है और इस तरह की बना करना अगर आपको जैसे जल्दी में अगर सुबह नाश्ते में बनाना हो और शाम को आप इसको चाहें तो प्रिपेयर करके रख सकते हैं सारी चॉपिंग कटिंग जो भी करनी है ना वो सारी करके आप फ्रिज में अलग से स्टोर करके रखें और इसको आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके और फिर उसके बाद फ्रिज में छोड़ दें और सुबह जब आपको इसको तैयार करना हो ना तभी आप उसी वक्त इसको निकाल लें और सारा कुछ मिक्स करें मिक्स करके इसको बस सेप दें और फिर फ्राई कर लें तो इस ना बहुत आसान सा हो जाता है और आप ये ना सोचें कि ये जब आप फ्रिज में मिक्स करके रख देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा बिल्कुल नहीं होगा जितना ड्राई रहेगा ना मिक्सर उतना ज़्यादा अच्छा रहता है तो इसका हम जब बनाएं तो आप वैसे भी अगर आप फ़ौरन से बना रहे हैं तो भी ध्यान रखें ये मिक्सर जो है वो ड्राई होना चाहिए तो वरना अगर इसमें जितना मॉइस्चर होगा ना तो ये बिखर जाता है ये फैल जाता है ना तेल में बिखर जाएगा क्योंकि साबुदाना है ना तो इस वजह से आप ध्यान रखें तो देखिए मैंने अभी तक ना आपको राउंड शेप में बनाकर दिखाया और एक में ये ट्रायंगल की शेप बना रही हूँ पर मुझसे बन नहीं रहा है लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि शायद अच्छा सा बन जाए से लेकिन फिर भी मैं ना दो तरह से बनाऊँगी ताकि ना बच्चे खुश हो जाते हैं अलग अलग की शेप को बना लो ना तो बच्चों को खुशी होती है बहुत खाते हैं बहुत खुशी खुशी तो चलिए सारे मैंने बना लिए तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया अब इनको फ्राई कर लेते हैं जब आप फ्राई करें तो ध्यान रखें तेल जो है वो हाई टेम्परेचर पर होना चाहिए लो टेम्परेचर पर होगा ना तो ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनेंगे ऊपर से और इसके अंदर तेल जो है ना वो अंदर तक सूख लेगा तो बहुत ज़्यादा तेल अंदर हो जाएगा और फिर ये ना बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाएंगे तो इस वजह से जब आपको देखें कि इस तरह का कलर आ जाए तो उसके बाद फिर आप इसको थोड़ा सा लो हीट कर सकते हैं और देखें कितना अच्छा सा प्यारा सा कलर आया वैसे मैं इसको अभी नहीं निकालूँगी मैं चाहती हूँ ये ऊपर से अच्छी सुपर क्रिस्पी बने इस वजह से मैं इसको ज़रा सी देर और फ्राई करूँगी फिर उसके बाद इसको निकाल लूँगी तो इसी तरह से मैं सारे के सारे हम लोग फ्राई कर लेंगे और ये जो हमने अनियन वगैरह डाली थी ना ये कैरमलाइज हो गई है यानी कि ब्राउन अनियन हो गई थी तो ये भी थोड़ा सा स्वीट स्वीट सा टेस्ट आ रहा था अच्छा लग रहा था कैरमलाइज अनियन का टेस्ट तो ये तो फ्राई हो गए इनको निकाल लिए और इसी तरह से अब ट्राइंगल जो बनाए थे ना वो भी फ्राई कर लूँगी तो मैं ट्राइंगल और कुछ तो मैंने ट्राइंगल बनाए हैं कुछ मैंने राउंड शेप में बनाए हैं तो दोनों ही तरह के बनाए हैं और ये सारे के सारे हम फ्राई करके निकाल लेंगे फिर आपको दिखाते हैं तो देखिए ट्राइंगल भी कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं आप चाहे तो इससे लाइट कलर भी ले सकते हैं लेकिन मैं इतना ही डार्क मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है ना क्रिस्पी क्रिस्पी सा ये इसमें ही दिख रहा है इतना डार्क सा लेकिन वरना ये बहुत अच्छे से बने हुए थे तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं और इसको सर्व करने के लिए ना मैं इसके साथ में प्रेफ़र करूँगी कि आप ना इसमें धनिया पुदीने की चटनी के साथ में भी खाएँ और कैचअप जिसको कैचअप के साथ पसंद आते हैं वो कैचअप के साथ खा लें लेकिन मुझे ना ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी थी धनिया पुदीने की चटनी के साथ और इतने मज़े के लग रहे थे ना बहुत मज़े के बहुत अच्छा लग रहा था यूँ समझिए कि जितना मुझे क्रेविंग हो रही थी ना कि मुझे कुछ फ्राइड आइटम खाना है उस तरह के ये खाने के बाद ना वो क्रेविंग एकदम से ख़त्म हो गई बस ये समझिए पूरा हो गया जब आपने जो कुछ भी मांगा तो ना जो मुराद होती है दिल में वो पूरी हो जाती तो बस इसी तरह को आप एक बार इसकी आवाज सुने है ना कितने क्रिस्पी तो आप लोग इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा और इस बारिश के मौसम में इसको जाने मत दीजिएगा जरूर ट्राई करें तो आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा तो आज की वीडियो को मैं यही एंड करूँगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चिल्ड्रेन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ बाय